हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, शाहिद कपूर और कृति सनन की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया उसका ट्रेलर ऑफिशियल रिलीज हो चुका है। और गाइस, शाहिद कपूर और कृति सनन की ये रोम कॉम मूवी का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक और बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। मुझे तो भाई इसका ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन आइए बात करते हैं कि ऑडियंस इस ट्रेलर को कैसे नजर से देखेगी, क्या ऑडियंस इस मूवी को थिएटर में एक्सेप्ट कर भी पाएगी या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग न्यूज आपको हर दिन हर रोज देखने को मिले। तो यार, शाहिद कपूर और कृति सनन की ये न्यू मूवी जो की रोम कॉम मूवी होने वाली, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ना भाई बहुत ही ज्यादा हटके है। इससे पहले ऐसा मूवी इंडियन सिनेमा में अभी तक नहीं बना है। ऐसा मूवी हम बस हॉलीवुड लेवल के मूवी में ही देखते हैं। लेकिन आज पहली बार 2024 के स्टार्टिंग में ही शाहिद कपूर और कृति सनन ने एक रोम कॉम मूवी लेके आया है, जो कि इंडियन सिनेमा को चेंज कर सकती है। बेसिकली इस मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि शाहिद कपूर को कृति सनन के कैरेक्टर पे बहुत ही ज्यादा डीपली प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि भाई ये तो एक इंसान नहीं, ये तो एक रोबोट है, ये एक AI है। और लिटरली शाहिद कपूर का वहां दिल टूट जाता है। लेकिन भाई दिल का क्या करें यार, प्यार तो है ना, और प्यार बहुत ही ज्यादा अंधा होता है। जिस वजह से शाहिद कपूर जिस तरीके से कृति सनन के कैरेक्टर से प्यार करते हैं ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई वो एक रोबोट है, वो एक AI है। भाई भाड़ में जाए AI, भाड़ में जाए रोबोट, मैं तो भाई इससे प्यार करता हूं, इसी से ही शादी करूंगा। मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, मूवी का जो थीम है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि कैसे शाहिद कपूर अपने प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो एक AI है या फिर एक रोबोट है, और मैं जिंदगी भर बस इसी से ही प्यार करूंगा। और वो कैसे अपने फैमिली को वैसे कन्विंस करते हैं, अपने फैमिली से वो मिलाते हैं, वो सारा सब कुछ ड्रामा फ्रामा वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस स्टोरी का जो लव एंगल है ना भाई, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई ट्रेलर में। और जब वो रोबोट वाला सीन आता है, क्या ही VFX और क्या ही CGI यार, फुल परफेक्ट लग रहा है। एक हॉलीवुड लेवल का, एक हॉलीवुड बजट का मूवी टाइप का लग रहा था। इस मूवी का एक छोटा सा गाना भी रिलीज किया गया है, जो की बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन देखते हैं भाई ऑडियंस इस मूवी को थिएटर में कैसे एक्सेप्ट करती है, क्या ऑडियंस हमारी इंडियन ऑडियंस इस बड़े कॉन्टेंट वाले मूवी को एक्सेप्ट कर भी आती है या फिर नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई ऑडियंस को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यार कब तक पब्लिक सिर्फ ऐसे ही रोमांटिक मूवी, ऐसा मास मसाला मूवी देखती रहेगी। भाई बोर हो जाते हैं हम, हमको कोई नया कॉन्सेप्ट चाहिए, हॉलीवुड लेवल का कॉन्सेप्ट, जो कि शाहिद कपूर और कृति सनन अपने मूवी से लेके आ रहे हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। भाई ये ट्रेलर ही भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। और यार ट्रेलर में जिस किस्म का रोमांस और जिस किस्म का केमिस्ट्री शाहिद कपूर और कृति सनन का दिख रहा था ना भाई, ट्रेलर के कुछ टाइम तक मैं भी शॉक्ड हो गया था कि भाई ये क्या, ये भाई AI है, ये रोबोट है, भाई लग ही नहीं रहा है रोबोट जैसा। पूरा कमाल का कॉन्सेप्ट है भाई, डायरेक्टर ने क्या छान के निकाला यार स्टोरी। मजा आ जाएगा थिएटर में देखने के लिए, ऐसा कंटेंट में रिव्यू बनाने के लिए, ऐसा कंटेंट में बात करने के लिए। बस देखना है कि ऑडियंस इस मूवी को कैसे एक्सेप्ट करती है, क्या ऑडियंस इस मूवी को उतना ज्यादा प्यार दे पाएगी जैसा इस मूवी के डायरेक्टर को लग रहा है, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करके बताएं। और हां गाइस, सब्सक्राइब किया है कि नहीं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, और लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ EV Explain में।